यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सोकपिट कैसे बनाया जाता है या फिर सोकपिट किस लिए बनाया जाता है, क्या यूज़ होता है सोकपिट का। तो आज हम इसी बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा किस कैसे इसका एस्टीमेट बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सोकपिट का यूज़ क्यों होता है। सोकपिट का यूज़ वहाँ होता है जहाँ हमें पानी, जैसे हेड पंप जो होते हैं उसमें से जो पानी, वेस्ट पानी जाता है, वो नाली नहीं होती हैं उसके आसपास, तो वहाँ पानी भर जाता है और बहुत बीमारियों का प्रकोप हो जाता है। पानी भरने से मच्छर वगैरह पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए हम सोकपिट वहाँ बना दिए जाते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि गांव-गांव, हर गांव में हेड पंप पर एक सोकपिट का निर्माण किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम देखने वाले हैं कि उसका सोकपिट का कितने रुपए का एस्टीमेट बनता है और कैसे बनाया जाता है सोकपिट का एस्टीमेट। तो आप देख सकते हो जैसे कि इमेज में कि इस कई तरीके से बनाया जाता है सोकपिट, और आपको इसमें एस्टीमेट ही बनाना सिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से इसका एस्टीमेट बनाया जाता है, तैयार करते हैं। तो चलते हैं फिर एस्टीमेट की ओर। तो सबसे पहले जैसा आपको दिख रहा होगा कि इसका फ्रंट पेज है, जैसे और वीडियोस में मैं दिखाता हूँ आपको, वही सेम फ्रंट पेज उसका रहेगा। जैसे कि विस्तृत प्राकलन है, योजना का नाम लिख देंगे, ग्राम पंचायत का नाम लिख देंगे, विकास खंड लिख देंगे और कार्य का नाम जैसे मैंने लिखा हुआ है, हेड पंप पर सोकपिट निर्माण कार्य, यहाँ वर्ष आ जाएगी आपकी, यहाँ अनुमानित लागत और प्रधान सचिव और इंजीनियर के सिग्नेचर। नेक्स्ट हमारा आता है डिटेल ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर हम करते हैं अपना एस्टीमेट रेडी। तो सबसे पहले जो उसमें आइटम आते हैं उस आइटम को लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जहाँ पर हमें बनाना है सोकपिट, जैसे हेडपम्प के पास हमें सोकपिट बनाना है, तो उससे 1 मीटर दूरी हटाकर वहाँ पर एक हमें एक गड्ढा, गोल गड्ढा खोदना है, जिसे हम एक्सकेवेशन कहते हैं। तो एक्सकेवेशन करेंगे एक गोल गड्ढे का, मतलब सोकपिट का। तो उसकी डायमेंशन हमें कैसे लेनी है, जैसे कि आप देख रहे हो एस्टीमेट में 1 नंबर है और ये 3.14 by 4 क्या होता है, ये होता है पाई की वैल्यूज़। ठीक है, ये पाई की वैल्यू होती है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट पाई की वैल्यू ये रख दी है, पाई बाई 4। ठीक है, और उसके बाद हमें इसकी क्या होगी, ये 1.23 का स्क्वायर क्या है, ये इसका डी स्क्वायर, मतलब इसका जो हमें गड्ढे का पूरा डाया जो होगा 1.23, मतलब 1 मीटर 23 सेंटीमीटर होगा, ये हमने इसका डाया लिया है। और उसके बाद देन ये आपकी 1 मीटर के आगे इसकी गहराई, जो गड्ढे की हमें 1 मीटर गहराई ले सकते हैं, हम 4 फिट भी ले सकते हैं, 1.20। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी हमारी 1.93 आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम गड्ढा खोद लेते हैं, गड्ढा खोदने के बाद हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक रद्दा हमें 9 इंची का गोल लगाना होगा, एंड देन उसके बाद 4 इंची की दीवार हमें गोल चिनाई करनी होगी। तो उसकी मेज़रमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसकी मेज़रमेंट इस तरीके से निकालेंगे, 1 × 1 और 3.14 × 1.23 ये डाया हो गया, ये डाई के दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 1.23 × 1.23 माइनस 1 × 1 ये अंदर का डाया हो गया। ठीक है, बाई 4 कर देंगे, 1 × 1 ये क्या आ गई, हाइट। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 0.4 इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, जब हमने चिनाई कर दी, जैसा आप इमेज में देख रहे हो, हमने चिनाई करने के बाद हमें क्या करना, फिर उसके अंदर हमें ब्रिक बेड्स क्या फिल करने होंगे। ब्रिक बेड्स हमें सबसे पहले ब्रिक बेड्स फिल करेंगे 1 फिट, मतलब 0.30 मीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर के हमें सबसे पहले फिल करने हैं, उसकी क्वांटिटी जैसे कि ये आ गई। फिर उसके बाद 80 mm की ब्रिक जेली हमें फिल करनी है, ये कितनी करनी है, ये हमें 9 इंची, मतलब 23 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 40 mm की जेली हमें 1 फिट, मतलब 30 सेंटीमीटर, ये भी इसकी क्वांटिटी ऐसे निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हमें ऊपर ग्रेवल इसमें डालनी है 6 इंची, 0.15। ठीक है, उसकी क्वांटिटी ऐसे हम निकाल लेंगे, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है,
फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, जब इसको ये फिल कर देंगे हमें ब्रिक बेड्स और 40 या 40 40 80 ग्रेवल के साथ जब हम फिल कर देंगे, उसके बाद हमें एक हंडिया लेनी है और हंडिया को जो हमें उसमें पाइप लगाएंगे, पाइप को उसमें हंडिया में रख के उसको दबा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसका RCC कवर बनाएंगे, जो सोक पिट का कवर होता है उसकी मेजरमेंट ऐसे लेंगे जैसे कि दिख रही होगी, पाई डी स्क्वायर, ठीक है, इनटू जो उसकी मोटाई होगी कवर की 0.1 मतलब 4 इंची, तो उसकी क्वांटिटी ऐसे ले लेंगे। उसके बाद हम जो उसमें सरिया लगने वाला है उसे हम परसेंटेज के आधार पर निकाल लेंगे, तो ये हमने 1.25 कर रखा, ये हमें 1% ले सकते हैं हम, 1% के हिसाब से ये कुंटल में 0.09 कुंटल आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में जाकर इसके रेट लगा देंगे, जैसे इसके एक्सक्यूशन की क्वांटिटी आकर इसमें ये रेट लग गए सबके, जैसे कि आप देख रहे हो सबके, तो यहाँ टोटल आ जाएगा 4,669, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट पे आपका जो क्वांटिटी होगी वो आ जाएगी, उसमें 18% मतलब 18% GST लगा देंगे, उसके बाद टोटल कर देंगे, फिर 2% हम जोड़ देंगे, 2% होने के बाद ये टोटल कर देंगे, तो ये 5,603 रुपये हमारा टोटल बना, ठीक है। इतने रुपए का हमारा सोक पिट तैयार होता है। और आप जहाँ जहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो अपना शेड्यूल, अपने लोकल शेड्यूल रेट लगा सकते हो, ये हमारा लोकल शेड्यूल रेट है, ठीक है। अगर कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, अगर ये अच्छी लगी हो वीडियो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके जाना। ओके, बाय।